तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनता है या फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया कर रहा है किससे? अमोनिया से। और अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है? तो यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन का एक और नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये इसका नाम है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। कैसे बनता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, अमोनिया का होता है NH3। ठीक, तो इन दोनों की क्रिया करते हैं। ठीक, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के लेते हैं 6 अणु। और क्यों 6 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर अपने पास है हेक्सामेथिलीन, हेक्सा यानी 6 और एमीन यानी नाइट्रोजन कितने लेने हैं? 4। तो ये 4 लेंगे। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड को अपन ऐसे नहीं लिखते हुए ऐसे लिख लेते हैं। कैसे? ऐसा नहीं लिखे और ऐसा लिख लेते हैं, 6CH2O। ठीक, और इधर क्या है? 4NH3। ठीक, अब अपनों ने बताया था जब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो क्या बनता है? तो पानी बनता है। तो यहाँ पर एक तो बना देते हैं क्या? पानी। ठीक, ये हो गया पानी। अब यहाँ का ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो इसके आगे लिख देंगे 6। ठीक, तो 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गए। अब बचा गया CH2, बचे हैं 6 और 4 बचे हैं N4। तो यहाँ पर लिखा फ्रॉम हेक्सामेथिलीन, तो ये CH2 मेथिलीन कितने हैं? 6। तो हेक्सामेथिलीन, एमीन, नाइट्रोजन कितने हैं? 4। तो ये एमीन हो गए 4। इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। ठीक, इस टाइप से बना। जब भी अपन ने इस HCHO को कैसे लिख दिया? CH2O और NH3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? H2O, यानी पानी बन गया। और कितना पानी बन रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन बता देगा कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ आगे लिख दिया अपनों ने 6। अब बचा क्या इधर? तो CH2O, CH2 बचे हैं 6 और 4 बचे हैं नाइट्रोजन, इनको आपस में जोड़ देंगे तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरोट्रोपिन बोलते हैं। ठीक, बनता है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका उपयोग मूत्र विकार सही करने में। ठीक, यानी मूत्र संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे पेशाब में जलन होना ये होता है, तो उसके अंदर इसकी जो गोलियां हैं वो दी जाती है। मूत्र विकार को सही करने में यूरोट्रोपिन का यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ठीक, वैसे अगर ये रिएक्शन भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं। और स्ट्रक्चर में देखते हैं, एक नाइट्रोजन, ठीक, ये यहां पर, फिर CH2, फिर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर लिख देंगे CH2, ऐसा बना लो। ठीक, और अंदर एक यहां पर नाइट्रोजन लिख के यहां पर जोड़ेंगे CH2 के साथ, इससे जोड़ेंगे CH2 के साथ और इससे जोड़ेंगे CH2 के साथ, ये बन गया। ठीक, पहले नाइट्रोजन Y लिख दिया आपने, है ना, चारों पे Y लिख दो उल्टा ऐसा, N और N, N और N, ये लिख दिया Y। ठीक, इनके बीच में अपन लिख देंगे CH2, ये लिख दिया CH2। ठीक, और यहां पर अपन लिख देंगे वापिस इनको जोड़ने के लिए CH2 और ये बन गया। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरोट्रोपिन। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ लिए, क्लिक करें। थैंक यू।